आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली से गूगल प्लस के इस हाईवे सेफ्टी हैंगआउट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनंत है और इस हैंगआउट में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डॉक्टर सीपी जोशी होंगे। आप सब में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गूगल प्लस हैंगआउट के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको बता दूं ये हैंगआउट एक ऐसा कमरा या मीटिंग रूम है इंटरनेट पे, जहां पे ना सिर्फ आप अपने मिलने वालों से बात कर सकते हैं बल्कि उनकी शक्ल भी देख सकते हैं। अब इंटरनेट पे ऐसे कमरे का पूरा फायदा उठाया जाए और चूंकि भारत के राजमार्गों को देशवासियों को और भी सुरक्षित बनाने में डॉक्टर जोशी ने ये पहल शुरू की है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जोशी से गुजारिश करूंगा कि जरा दो शब्द कह के इस गूगल प्लस हैंगआउट का आरंभ करें। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने गूगल हैंगआउट में अपना भाग लेकर मंत्रालय को प्रेरित किया कि हम आपकी सुझाव को समझें और उसके अनुरूप नियमों और कानून में परिवर्तन करने का काम करें। आप और हम सब जानते हैं इस देश में लगभग 1,40,000 व्यक्ति की मौत केवल मात्र रोड दुर्घटना के कारण होती है। रोड दुर्घटना के कारण इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। यदि हम रोड एक्सीडेंट को रोक ले तो लगभग 3% GDP को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप और हम सबका कर्तव्य बनता है हम जागरूकता लाए और रोड एक्सीडेंट को कैसे हम कम कर सके उसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लेकर मंत्रालय को प्रेरित किया कि हम आपकी सुझावों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में आगे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी हमें संबोधित करने के लिए। और देश के कोने कोने से नागरिक जुड़े हैं क्योंकि देश के नागरिक जब तक एकजुट होकर नहीं जुड़ेंगे देश में कोई भी बढ़िया अच्छा परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। चलते हैं अपने पहले सेट ऑफ पार्टिसिपेंट से मिलने के लिए। कौन कहां से आया है एक बार जरा इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले ज्योति छावा बैंगलोर से, अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम ज्योति छावा फ्रॉम बैंगलोर। आई एम ए ट्रांसपोर्ट इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली। करंटली आई एम वर्किंग एज ए ट्रांसपोर्ट प्लानर इन सेंटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इट्स क्वाइट प्लेजर फॉर मी टू जॉइन इन दिस हैंगआउट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन रोड सेफ्टी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। अब चलते हैं पुनीत सक्सेना, ये नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम पुनीत सक्सेना, अ सेल्स प्रोफेशनल फ्रॉम दिल्ली। आई एम डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड मेगा इवेंट एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मिस्टर मिनिस्टर फॉर दिस वेरी नोविस इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसा कि आपसे कहा था देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से कीमत राम हमारे साथ हैं। कीमत जी अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार जी, मैं कीमत राम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं एक ट्रक ऑपरेटर हूँ। तो आप करीब होंगे रोड्स के। और अब हमारे साथ हैदराबाद आंध्र प्रदेश से चैतन्य बच्चा राजू है। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, दिस इज चैतन्य बच्चा राजू फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस हैंगआउट व्हिच इज रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री। You're welcome, चैतन्य। तो ये थे हमारे हाईवे सेफ्टी हैंगआउट के शुरुआती पार्टिसिपेंट्स। और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरनेट पे गूगल प्लस हैंगआउट में, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। चलते हैं बेंगलुरु जहां ज्योति चावा अपने पहले सवाल के साथ तैयार हैं। ज्योति, आस्क योर क्वेश्चन। सी माय क्वेश्चन इज, सी आई एम ए कोर ट्रांसपोर्ट प्लानर, सो आई रियली इंटरेस्टेड टू डू सम वर्क इन रोड सेफ्टी। आई जस्ट वांटेड टू एनालाइज सम ब्लैक स्पॉट्स एंड व्हाट इज द इश्यूज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स, but I don't have access to the data. There is no data at all in our country. See, they, if you go to the Australia, Europe, you can update, you can online, you can get the data from your online. But here I'm trying from the past 1 month to do something in Bangalore, but there is no data. Even though the data is there, but I don't know whom to approach. They're so busy, they're not giving appointments. The traffic commissioners and everyone are so busy. So where do I get this data to identify these black spots and all? And even though I get the data is basically from the FIR, first information report, filed by the traffic police, who doesn't know anything about what are the main issues affecting the road safety. So
I feel that we are, if researchers wanted to do some work, we need initially the data. So, and my another second question is, so case sheets, basically the data has to be based on the case sheet so that we can analyze who is the victim and who is the accused one and what are the main issues involved in this accident. So this is my first question. The database system in India is my first question. That's it. I appreciate your concern. We feel that data is essential for analyzing everything. But you have to appreciate in our country, the urban traffic is managed by the police and the urban development. National highway deals with the national highway accident and all this. States deals with the states and district roads. So different agencies are involved into it. But nothing, we have to appreciate that we have to collect information. Unless and until we have scientific data, we are not able to analyze all these things. Your concern is well taken care of it. I hope that my ministry will take care of this and we'll have update information about this. Thank you, sir. And so one more my question is, see, when we are constructing the national highways, I think we are completely forgetting the villagers on both sides of the roads. Like, we are not providing any crisscrossing facilities to them. Like, if they wanted to go from one village to another, they have to just simply cross the road. But I think we are completely forgetting the villagers while we are constructing the national highways. So while crossing, most of the accidents are happening in my point of view. So, like, are you seeing like any measurements? Are you taking any measurements for these villages on alongside of the national highways, sir? That is my another question. Before awarding the constructions, feasibility report and DPR being prepared by the engineers. There they take care of the crisscross roads. And I can assure you that wherever we have problem, we will address the issue. But before awarding, we take care of all these things. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Well, thanks a lot, Jyoti Chawa from Bangalore, for asking those questions. चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ. इनके पास भी सवाल है. नाम है इनका पुनीत सक्सेना, नई दिल्ली से. पुनीत, आपका सवाल. Sir, my suggestion is that the ministry should issue prepaid national toll cards and install scanners and CCTV cameras at toll plazas. This will help in multiple ways. Like, the card should be offered with 5 to 10% discount to encourage the maximum usage, maximum participation of maximum people. And this will help in faster flow of traffic, thus reducing the traffic jams. Saving of fuel will be there, and like managing in managing of change, that means saving of effort, and hence even fatigue also, like when people stand in queue and wait for their turn to come, they just get exhausted and a lot of fatigue they go through. So, and this fatigue later turns into a road rage and road accidents also. So I am sure by faster movement of this passage by the people, this lesser fatigue will also result in lesser road accidents also. And by fuel saving, we would be saving precious foreign exchange and would be helping our nation to reduce its fiscal deficit. I think that another is a plus point of this. And also the corruption will get reduced by this initiative, because sometimes the bypass of the toll is being done, which can be eliminated by issuing these toll cards, national toll cards, and this will result in increased higher revenue of toll. Thank you for raising all this issue. I'm happy to inform you that my ministry took initiative in this direction. We intend to have by 14 entire country into the net of the ETC. Nandan Nilkarni has suggested at RFID card. We have standardized it and we have introduced two pilot projects. One from Chandigarh to Parwani we have already introduced. We are going to start in April between Mumbai and Baroda, the another pilot projects. Having experience of this pilot project, we'll scale in entire country, and by 14 will cover entire toll plazas into ETC mode. And whatever concern you have raised, we hope that all this concern will be taken care of. Thank you. बहुत-बहुत शुक्रिया पुनीत सक्सेना हमसे सवाल पूछने के लिए, and thank you Dr. Joshi for responding. अब एक ऐसे इंसान के पास चलते हैं जो हाईवे से बहुत करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है. नाम है इनका कीमत राम.
कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। कीमत राम जी बताइए। नमस्कार माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न है। आज पूरे भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था को ऑनलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे गाड़ी के सभी कागजात ऑनलाइन होने चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस अति आवश्यक ऑनलाइन होना चाहिए, और गाड़ी में लोड किए गए माल का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होना चाहिए, जिसमें माल कहाँ से लोड किया, कितना कहाँ ले जाना है, कितना माल है और इसका कितना किराया है, इसका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होना अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी सड़क पे गाड़ी में कुछ भी माल लोड किया होता, कोई भी उसको देख के कोई राजी नहीं है, तो इसीलिए इसको ऑनलाइन करना अति आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस को ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रास्ते में जैसे आरटीओ तथा पुलिस को चेक करने में कोई परेशानी ना हो और गाड़ी वाले को भी कोई परेशानी ना हो, जिससे कोई आपत्तिजनक सामान लोड ना हो सके। इसके बारे में मैं मंत्री जी की राय जानना चाहता हूँ। कीमत राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले पत्र भी लिखा, आपने एक ड्राइवर के रूप में बहुत सी समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जैसा अभी कहा कि ऑनलाइन ये सब चीज सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों मिलकर इन डायरेक्शन में काम कर रही है। अभी हमारे मंत्रालय ने वाहन और सारथी दो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। हम अलग अलग प्रदेशों की सरकारों से बात करके ये कोशिश करेंगे कि जो ऐसा आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट में जो गुड ट्रांसपोर्ट होता है उसकी जानकारी ऑनलाइन होनी चाहिए, इसके संबंध में सरकारों के साथ चर्चा करके नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंट मैनर में जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो बहुत बड़े देश की आर्थिक प्रगति में भागीदारी निभा रहे हैं, उनके साथ हैरेसमेंट नहीं हो और स्मूथ अपना ट्रैफिक एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकें। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक अच्छे प्रयास की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित। एक क्वेश्चन मेरा और है जी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, हर राज्य के लाइसेंस जो है ऑनलाइन होने चाहिए। जैसे कि आज एक ऐसी स्थिति हो चुकी है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा, कोई भूटान से आ रहा, तो उससे एक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि डुप्लीकेट लाइसेंस बनकर इंडिया में आकर गाड़ी चला लेते हैं, उससे हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी देश के नागरिक है, वो तो अपने देश को, वो तो हम लोग सोचेंगे जो इस देश के नागरिक है कि हमने अपने देश को कैसे डेवलप करना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बना वो आधार कार्ड के आधार पर ही बने, उसमें आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आधार ही से ही हमारी पहचान होगी, हम भारत के नागरिक है या नहीं है। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया के अंदर उसी आदमी को दिया जाए जो इंडिया का ही रहने वाला हो। ये मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि विभिन्न प्रदेशों के आरटीओ ने अपने आप को इनके साथ इंटीग्रेट किया है। पुराना रिकॉर्ड हम अपडेट करने के लिए नए सिरे से उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और जैसा आपने कहा ये निश्चित तौर पर आधार के आधार पर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरे देश में एक ड्राइविंग लाइसेंस जलो होने के बाद में सब जगह पर उसकी उपाधेयता और उसकी जानकारी का लाभ हर प्रदेश को मिल सके और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कीमत राम जी, कुल्लू से हिमाचल प्रदेश से। अब हैदराबाद चलते हैं, आंध्र प्रदेश से चैतन्य बच्चा राजू, उनका भी एक सवाल है, पूछिए सर। हेलो सर, माय सजेशन टू मेक हाईवे सेफर इज दैट वी नीड टू मेक देम स्मार्टर यूजिंग टेक्नोलॉजी। One such step towards it can be like we can have a system that automatically detects accidents on highways, which can be installed in accident prone zones. So how this will work is like we'll have sensors in place that will sense various things, like whenever there is a huge impact on the road, because whenever a vehicle falls over it, or when there is a sudden deceleration, or a huge sound that is made because of a crash or sudden increase in the temperature, all these parameters that will help us determine an accident, all these will be inputted to a software box that will be residing next to it. So once these parameters are inputted to the box, it'll determine that an accident has occurred, and it'll send out a signal or a message to an rescue team or a patrolling team or an ambulance that is nearby, and this will help reduce the delay in between the occurrence of an accident
and the rescue time. So this will actually, I mean, once the rescue team reaches the site, the rescue operations can be done immediately, and this will help reduce the delay. So if this is made, if the design is error-free and the implementation is done effectively, I think we can save a lot. I mean, we can save many lives. As you have said initially, that there are many, many accidents, deaths that are reported every year on the highways. So I think if we make our highways safer, it'll be a lot more useful. Thank you for your suggestions. My ministry is taking initiative in this direction. And in the, recently we have introduced the concept of caseless treatment to the accident persons. This experiment, a pilot project we are introducing between Delhi to Jaipur via Gurgaon. There, what the suggestion you said, we will incorporate it. I invite you to interact with my ministry, and we will give space to your idea. And we hope that by introducing this IT technology, we will able to save much life. बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य, थैंक यू फॉर योर क्वेरी. हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सवाल वीडियो पे रिकॉर्ड करके भेजे हैं. उनमें से सबसे पहले रुड़की से नवीन कुमार, आइए उनका सवाल देखते हैं. इफ वी गेट मोर डेटा ऑफ अदर रोड स्ट्रेचर्स ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ दिस मैथमेटिकल और द स्टैटिस्टिकल मॉडल इम्प्रूव्स बाय यूजिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मॉडल वी कैन स्टैंडर्डाइज द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स. The codes can be improved depending on the considering the road safety as a variable for the construction. The geometric standards can be improved, like the curve radius, shoulder weight. Hence, steps needs to be taken for improving the database and made available openly for public and institutions, research work and knowledge of the stretches and analysis of them. Thank you. While before awarding the road work, we asked the consultant to prepare feasibility report and DPR reports, where we expect that the technology is used by the consultant. But whatever you said, we do appreciate it, and we will ask our officials to put entire information on websites. And by putting this information on website, we hope that we will take care of what you have suggested. And we are concerned that more IT should be given space, so we have more correct DPR. Naveen Kumar ji, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए. ये तो हो गया वीडियो सवाल, और एक ऑडियो सवाल भी आया है. ये काकीनाडा से हमारे पार्टिसिपेंट राजेश कुमार ने भेजा है, चलिए सुनते हैं. This is Rajesh Kumar, IPS officer from Andhra Pradesh Cadre. Sir, I would like to bring to your notice that with the help of Infosys Hyderabad, Nalgonda Police had developed a software called the Accident Tracking System. This software was capable of generating a number of GIS and statistical reports. On the basis of these reports, we could fashion our interventions, engineering, education and enforcement. And with the help of this software, we were able to bring down a significant reduction in the road traffic accidents in the district. If we can standardize the software and use it on a larger scale, this will help the cause of curtailing road traffic accidents and the loss of life therein. Thank you for your suggestions. We will ask the state government to use such software, because basically enforcement lies with the state government. I am happy that the Nalgonda SP has taken some initiative in the direction. We hope other states will also take such initiative. बहुत बहुत शुक्रिया काकीनाड़ा से राजेश कुमार जी. अब जैसे जैसे लोग इस हाईवे सेफ्टी के गूगल प्लस हैंगआउट को देख रहे हैं, सवाल आते जा रहे हैं. कुछ लिखित सवाल भी आए हैं. प्रदीप्ता मुदंग ने असम गुवाहाटी से लिखा है, Why does it take so long for highways to be constructed in the northeast? Usually it takes around 10 to 12 years. 10 से 12 साल लग जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में हाईवेज बनने के लिए, ऐसा क्यों? ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट में रोड कंस्ट्रक्शन में समय लगता है. एक कारण तो वहां पर खुद जो टाइम अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन का बहुत कम है. बहुत बहुत ज्यादा दिन वहां बरसात होती है, इसलिए एक कारण है. नॉर्मल स्टेट्स में जो कंस्ट्रक्शन है उससे ज्यादा समय लगता है. दूसरी प्रॉब्लम इंसर्जेंसी की है, जिसके कारण भी
जो कंसेशनर है वो समय पर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट में समय ज्यादा लगता है। हमारा मंत्रालय इस बारे में चिंतित है, हम बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों को भेज रहे हैं और कंसेशनर और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से हम समझते हैं कि इस समस्या का हम निदान कर पाएंगे। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको याद दिला दूं कि ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली से हम गूगल प्लस के इस हाईवे सेफ्टी हैंगआउट में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और हमारे साथ मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डॉक्टर सीपी जोशी हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। राहुल लाल दिल्ली से मैसेज भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, गिविंग पनिशमेंट्स ऑनलाइन, कि ऑनलाइन पनिशमेंट्स की प्रक्रिया शुरू की जाए, अगर कोई कानून तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो जो अथॉरिटीज हैं वो उसके लाइसेंस प्लेट पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, उसका लाइसेंस भी ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकते हैं और यही इंफॉर्मेशन सारे स्टेशंस पे सारे ऑफिसर्स में पहुंच जाए। अच्छा सुझाव है, इस सुझाव पर मंत्रालय ध्यान देगा और इस संबंध में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे इस गूगल प्लस हैंगआउट में नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। Provide a tag or they should provide some concession if the person is making an onward detention journey. Basically, cut the highway, like, as for example, it happened in Manipur for a block it. So, you need to provide enough security to the lifeline, because cutting off the lifeline means cutting off the life of the horse. And despite being aware about the traffic rules, they do not like to follow those rules. The basic problem lies in the implementation of the rules. वेलकम बैक। गूगल प्लस के इस रोड सेफ्टी हैंगआउट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डॉक्टर सीपी जोशी हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। पूरे देश भर से लोग जुड़ रहे हैं और किसी भी देश की प्रगति का अगर मापदंड लिया जाए तो उसके हाईवेज को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को देखना बहुत जरूरी है। ये एक जरिया है जिससे हमारा देश और आगे उन्नति कर सकता है। चलिए एक बार अब इस राउंड में कौन कौन से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ अमित गर्ग गुड़गांव से। अमित जी अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज अमित गर्ग, आई रिप्रेजेंट एन एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर वर्किंग इन गुड़गांव। ऑन अ डेली बेसिस वी फेस अ होल लॉट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। आई वांट टू टॉक टू द मिनिस्टर अबाउट द सेम। ऑलराइट, अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं एके सिंह उदयपुर राजस्थान से। नमस्कार मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं उदयपुर से हूं, मैं एक सीनियर हाईवे इंजीनियर हूं। आरएस राजा चेन्नई से, बताइए सर अपने बारे में। थैंक यू, दिस इज राजा फ्रॉम चेन्नई, आई एम वर्किंग एज द असिस्टेंट मैनेजर परचेस एंड लिमिटेड कंपनी। आई वुड लाइक टू से अबाउट आवर हाईवे सेफ्टी बिकॉज़ आई एम यूजिंग लास्ट 5 इयर्स ऑन NH5। थैंक यू जी। और हल्द्वानी से विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार वर्मा, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड में रहता हूं। मैं रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और माननीय मंत्री जी की इस सुरक्षा पहल में रचनात्मक योगदान देने के लिए विशेष उत्साहित हूं। किसी भी प्रकार से मैं इसमें जुड़ना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस गूगल प्लस सेफ्टी हैंगआउट, हाईवे सेफ्टी हैंगआउट में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले गुड़गांव चलते हैं जहां पे अमित गर्ग अपने सवाल के साथ तैयार हैं। अमित, योर क्वेश्चन प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर जोशी फॉर टेकिंग ऑन दिस इनिशिएटिव, ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री एंड गूगल आल्सो। डॉक्टर साहब, माय सवाल टू यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन रोड डेथ। एज यू प्रॉबली नो दैट इंडिया इज नाउ होल्डिंग द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट in terms of road accident related deaths. My question to you basically is, what are we doing about it? I do believe that there's an initiative that you've taken up with regards to the NH8 highway. I wanted to know more details on that, specifically with regards to, are we taking care of trauma victims jo ki typically road accidents ke cases mein hote hain? मेरे मंत्रालय ने और LIC CCI बैंक लंबार्ड के मिलकर एक MOU किया है। इसमें दिल्ली जयपुर जो स्ट्रेच है उसमें जो एक्सीडेंट होगा उस एक्सीडेंट पर 30,000 रुपए तक की राशि मंत्रालय देगा। कंट्रोल और सारी सुविधाएं उपलब्ध करने का काम ICICI बैंक करेगा। ये एक पहला प्रयास है जिस प्रयास में हम
उस एक्सीडेंट को तुरंत रिलीफ देने के लिए उस पर वित्तीय भार पड़े और समय पर उसको सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिल सके, ये एक प्रयोग कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेज पर जितने भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको हम एंगेज कर रहे हैं, वॉलंटियर्स का इसमें हम इन्वॉल्वमेंट लेंगे और IIT दिल्ली के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे हम सही जानकारी ले सकें कि क्या एक्सीडेंट मैन्युफैक्चरर की गलती के कारण हो रहे हैं या ज्योमेट्री के कारण हो रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे बड़े पैमाने पर पूरे देश में लागू करेंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि जब कोई दुर्घटना होती है उस दुर्घटना में होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है, जहां समय पर उसको मेडिकल सुविधा मिल सके, पुलिस समय पर आकर को केस रजिस्टर कर सके, समय पर वॉलंटियर उसको अस्पताल में पहुंचा सके, उसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सके, तब जाकर गोल्डन आवर में हम सुविधा दें, तब उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ किया है। मंत्रालय ने लगभग 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस प्रयोग की सफलता के बाद पूरे देश में हम इसको लागू करेंगे। सर एक और सवाल था, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था इन विच दे आर बेसिकली ट्राइंग टू ट्रेन अबाउट 20% ऑफ देयर एंटायर पॉपुलेशन ऑन व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स। बेसिकली इसका फंडा यह है कि कोई भी बंदा whoever is available at the accident site should be able to respond to the victim's needs till the time the ambulance or the police arrive. My question to you is there an initiative like this that we can perhaps undertake in which we train common people, volunteers who would want to help save people's lives? बिल्कुल सही कहा है, हमने इस स्टेज पर volunteers को train भी करेंगे जिससे वो first responder के रूप में काम कर सके। नेहरू युवा केंद्र को भी हमें इसमें involve किया है, उनके भी जो नौजवान आदमी है उनको भी ट्रेन कर रहे हैं जिससे वो फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में काम कर सके। और जैसे आपने अपेक्षा की है कि पहला रेस्पोंडर की हम ट्रेनिंग को करके तात्कालिक उसको यदि मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो बहुत से आदमियों की हम जिंदगी को बचा सकते हैं। ये प्रयास हमने प्रारंभ किया है और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि और लोग इसमें जुड़े और वॉलंटियर के रूप में काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब गुड़गांव से हमसे ये सवाल पूछने के लिए। अब चलते हैं राजस्थान, जहां की सड़कें तो बहुत खूबसूरत हैं, आसपास देखने के लिए नजारा भी बहुत खूबसूरत है, और वहीं से उदयपुर में AK सिंह सवाल पूछने के लिए तैयार है। माननीय मंत्री जी से मेरा एक सजेशन है कि अगर हम NH के आइडेंटिफाइड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में 15 सेंटीमीटर वाइड 6 सेंटीमीटर हाइट के थर्मोप्लास्टिक पेंट 1 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगा दें तो इसके ऊपर से गुजरने वाले व्हीकल हल्के वाइब्रेशन के साथ क्रॉस करते हैं। इसका इमीडिएट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ड्राइवर के अलर्ट कराने के साथ साथ व्हीकल के स्पीड कंट्रोल कराता है। नतीजन ये होता है कि इन एरियाज में एक्सीडेंट कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाते हैं। इसका सफल प्रयोग हमारे यहाँ उदयपुर रतनपुर सेक्शन में किया गया है। तो मेरा माननीय मंत्री से सबमिशन है कि क्यों ना इसका इम्प्लीमेंटेशन हम NH के सारे आइडेंटिफाइड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में पूरे देश में करें। और दूसरा मेरा एक और उनसे सजेशन था कि एक यूनिक हेल्पलाइन नंबर जो ऑल ओवर इंडिया में एक हो, तो इसके लिए इससे हमारे यूजर्स को काफी फायदा होने वाला है। ये मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता था, अगर उनको ठीक लगे तो काइंडली इसको इंप्लीमेंट करवाया जाए। थैंक यू सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने दोनों ही सजेशन अच्छे दिए हैं। मेरा मंत्रालय दोनों ही सजेशन पर काम करेगा और निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जैसा आपने बताया है इन सजेशंस को इनवाइट करने के लिए ही हमने ये डायलॉग प्रारंभ किया है और इसी तरह के सजेशन आएंगे तो हम बहुत तीव्र गति से जो रोड है सेफ्टी के मेजर्स है उसमें हम काम कर सकेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। चलिए चलते हैं साउथ इंडिया, चेन्नई में RS राजा इज वेटिंग टू आस्क यू क्वेश्चन। राजा जी। यस सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Now the most 75% of accident happen while on over speed and overtaking. While the driver having no uneducated driver and teenage people making a over speed vehicle on night ride on highways. This should be taken care by the Ministry of Department. They are putting heavy penalty and speed control activities limits laws have to improve a lot. I sent through mail a lot of suggestions. You know, online I can say something about the over speed and other thing. We have to take care about two wheeler. Dedicated line for two wheeler is very much necessary on city and highways road, because when the two wheeler crossed 40 kilometers or 60 kilometers over speed,
it's a cause of death. More than 70% of accident happen only for driver's fault. So first we have to correct the drivers. For physical fitness and eyesighting, we have to give free CAM and physical fitness certificate. We have to provide by government itself. It is best for us. And one more thing, the fund. Fund for thermocare and healthcare activities when accident has happened, we have to take the fund from Ministry of Health Ministry and Rural Development Ministry having a lot of fund, and this MGNREG, they are having 33,000 crore rupees for every year they are spending for rural road development, and irrigation purpose. That 20% of fund we can utilize to develop our road safety. Also, this centralized vehicle registration system, that is very much necessary in now India. For centralized vehicle registration system, single registration, you can access the vehicle all over India, tracking system and controlling and monitoring. This would be easy to our road ministry to tracking the vehicle system. And outdated vehicle, like more than 10 years vehicle, the all state government are running more than 10 years old vehicle. This is very dangerous to the people who is using the highways and other things. So this should be avoided by the government. We have to insert more public carrier to take the people one place to another place, because every individual single person take a car for Tavera and Innova and having more speed. This is cause of another accident side. And one more thing I have to tell you, this accident simulation system, when the driver want to know the, how to overtake and what are the accident happening through the roads, we have to put some simulation system. Thank you, G. I'll come back. Thank you for giving number of suggestions. I'm very happy that you have raised number of relevant issues. But you have to appreciate that we have to amend Motor Vehicle Act. Motor Vehicle Act is pending, amendment is pending in Parliament. The moment it will be clear in the Parliament, we'll able to execute certain provisions which you anticipate that we are supposed to execute it. But let me tell you, besides this Motor Vehicle Amendment Act, the government has constituted a Sundar Committee report. We have received the Sundar Committee report. We have asked the state government to react on this. Some states have already given their responses. We are expecting responses from the other states. The moment we get the responses from the states, we will go for a comprehensive amendment bill in the Parliament, where all these things which you have raised will be taken care of in this new bill. I appreciate your concern, and we welcome your suggestions. And we hope that whatever you said, it will be given space into new comprehensive bill. Thank you, Mr. Raja from Chennai. Ab chalte hain Haldwani, jahan se Mr. Vinod Kumar tayyar hain apne sawal ke saath. Vinod ji. Namaskar, Maniye Mahoday. Mera manna hai ki koi bhi durghatna kisi bhi sadak par tab hoti hai जब किसी भी गति से चलता हुआ वाहन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि वो चालक जो है वो उसे रोक नहीं पाता है। मैं अक्सर लोग मुझसे जब पूछते हैं कि मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं, रोकना सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? अर्थात कोई भी वाहन चलता हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, अगर सही समय पर सही जगह पर नहीं रुकेगा तो दुर्घटना होनी ही होनी है। तो मेरा सुझाव यह है कि लाइसेंस प्रदान करते समय चालक को इतना प्रशिक्षित किया जाए और इतना परीक्षण उसका किया जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में वाहन को रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है। यदि नहीं रोक पा रहा है तो उसको वाहन चालन लाइसेंस कतई न दिया जाया करे। दूसरा सवाल मैं ये चाहूंगा कि यदि कोई वाहन बिना कोई लाइसेंस वैध लाइसेंस धारी चालक द्वारा चलाया जाता हुआ पाया जाए तो उसे कन्फिस्केट किया जाए, उसे जब्त कर लीजिए आप। इससे जितने वाहन स्वामी अपने अपने वाहन को किसी भी ऐसे बिना लाइसेंस धारी व्यक्ति को देंगे, भले ही अपने बच्चों को दे दें वो, तो इससे वो डरेंगे और बचेंगे। इस पर शायद कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन ये कारगर उपाय साबित होगा।
वर्मा जी आपके सजेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सही है कि ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते समय इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसीलिए मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये कोशिश की कि हर प्रदेश में हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्कूल की स्थापना करें और व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए भी हम इंस्टीट्यूट की व्यवस्था करें, और 12th प्लान में हम बड़े पैमाने पर ये काम करना प्रारंभ करना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जितना स्ट्रिक्ट मिलेगा उतनी ही संभावना ये होगी कि एक प्रशिक्षित ड्राइवर ठीक ढंग से सड़क पर व्हीकल चलाए और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करें। इसलिए मंत्रालय इस डायरेक्शन में आगे काम करने का प्रयास प्रारंभ कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट मोड में भी हम ये काम करना चाहते हैं, और जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उनको भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जो ऑटोमोबाइल्स के बनाने वाले जितने भी हैं वो आगे आकर इसमें और हमारी मदद करेंगे। हम इन समस्याओं के निराकरण के साथ साथ एक नेशनल हेल्पलाइन को भी हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे इन तरह की समस्याओं के बारे में हमें सूचना मिल सके और हम सूचनाओं के आधार पर तुरंत निर्णय ले सके। मैं आशा करता हूं कि ये जो सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन, जिसके माध्यम से हमें और ज्यादा सूचनाएं मिलेगी और जो जो भी इम्प्रूवमेंट आप जैसे लोग हमें सजेस्ट करेंगे उनको हम मंत्रालय के अंदर लागू करने का प्रयास करेंगे। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में हमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हल्द्वानी से हमसे सवाल पूछने के लिए। चलते हैं देश के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, क्योंकि इस गूगल प्लस हैंगआउट में बहुत सारे लोग हर प्रांत से जुड़ रहे हैं। गांधीनगर से जय त्रिवेदी हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। जय त्रिवेदी जी। नमस्कार सर, मैं जय त्रिवेदी गांधीनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। सर मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और लॉजिस्टिक्स मेरा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो डेटास कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस आपको मिल रही है कर रहे हैं, इसको आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको लॉजिकल कंक्लूजन के लिए? सर मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो हमने डायलॉग प्रारंभ किया है उसके पीछे मंशा यही थी कि इस देश में अधिकांश लोगों की रोड सेफ्टी के बारे में जो अनुभव है उनको ठीक करने के संबंध में जो उनके सुझाव है उन सुझावों को हम मंत्रालय में चर्चा करें अपने अधिकारियों के साथ में और उनको लागू करने का प्रयास करें। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस तरह के डायलॉग से हमारे मंत्रालय के अधिकारी इन संबंध में निर्णय लेने के लिए आगे आकर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम फरवरी 2014 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू करना प्रारंभ करना चाहते हैं। इसी तरह से अभी हमने दिल्ली जयपुर जो स्ट्रेच है उस पर हमने कैशलेस ट्रीटमेंट जो एक्सीडेंट प्रोन आदमी को मिले उसकी पायलट प्रोजेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है। हम DPR के माध्यम से गूगल का उपयोग लेकर ठीक ढंग से DPR बने हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो स्पॉट जहां पर एक्सीडेंट होता है, उन एक्सीडेंट के स्पॉट को हम ज्योमेट्री को ठीक करना चाहते हैं कि उसके लिए संबंध में हम निर्णय करके वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जैसा अभी नानकोल के SP साहब ने बताया या दूसरे इंजीनियर ने बताया कि हम उन स्पोर्ट्स के बारे में IT के सॉफ्टवेयर को उपयोग ले सकें, ये सब प्रयास इस बात के प्रतीक है कि आने वाले समय में इस देश में हम सब मिलजुल कर रोड एक्सीडेंट को कम करें। और इसी उद्देश्य से हमने डायलॉग प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमें सजेशन मिलेंगे उन सब के सजेशन को ध्यान में रखकर हम रोड सेफ्टी के बारे में और प्रभावशाली ढंग से कदम उठा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जय त्रिवेदी जी गांधीनगर से। अब बहुत सारे लोगों ने इस हाईवे सेफ्टी हैंगआउट की वीडियोस को देखा और करीबन 12 लाख लोगों ने इसको देखने के बाद अपने अपने सवाल रिकॉर्ड करके भी भेजे हैं। एक सवाल जो वीडियो पे रिकॉर्ड होके हमारे पास आया है विद्या गोवर्धन का है बिलासपुर से, चलिए सुनते हैं देखते हैं उनका सवाल। माननीय मंत्री जी को भी नमस्कार और धन्यवाद कि उन्होंने जन भागीदारी का यह एक अच्छा अवसर हमें प्रदान किया है। मैं सबसे पहला सवाल मेरा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि सड़क दुर्घटनाओं में हम हमेशा देखते हैं कि गति एक मुख्य कारण है, और क्या यदि स्पीड गवर्नर यदि हम सभी वाहनों में यदि लगाते हैं तो क्या सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, इस पे मंत्री जी कुछ आदेश कर सकते हैं? ये बात सही है कि यदि हम व्हीकल पर घमंडर लगाएं गति को हम कंट्रोल करें
तो दुर्घटना की संभावनाएं कम होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय ने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको ये कहा है कि जो आपके मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल जो सड़क पर आ रहे हैं उन पर गवर्नर लगाया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि नेशनल हाईवे में जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी गति की सीमा को हम कानूनन रोकने का काम करें। आशा करते हैं कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चर के सहयोग से और नियम बनाकर हम गति को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं को हम कम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या गोवर्धन जी बिलासपुर से अपना सवाल भेजने के लिए। ये तो हो गया वीडियो सवाल। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लिखित रूप में हमारे पास आ रहे हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस। आर्या गुप्ता बेंगलुरु से हमें लिखते हैं कि जितने हाईवेज हैं उन पे ऑटोमेटेड स्पीड एनफोर्समेंट कैमरास क्यों नहीं लगते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली अगर कोई गाड़ी गति सीमा तोड़ती है तो उसका चालान हो जाता है और चालान उसके घर पहुंचा दिया जाएगा या उस गाड़ी के आरसी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में जोड़ दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्पीड कैमरास हाईवेज पे क्यों नहीं लगे होते हैं? मंत्री जी, ये बात सही है कि ऑटोमेटिक स्पीड कैमरा लगने चाहिए और इसीलिए हम जो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे आगे बनाने जा रहे हैं उसमें हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि ये सब प्रोविजन इसके साथ जोड़ा जाए। अभी तक जो हमारा रोड डेवलपमेंट का काम हुआ है उसमें हम ये नहीं कर पाए, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इस चीज को स्थान देंगे और ऑटोमेटिक इस तरह के जो कैमराज है वो लगाए जाएंगे। सवालों का बाढ़ बस बढ़ता ही चला जा रहा है। समीर गुप्ता ने उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक सवाल भेजा है कि मंत्री जी प्लीज कुछ हाईवेज की लाइटिंग के बारे में करें, क्योंकि बहुत सारे हाईवेज हमारे देश में ऐसे हैं जिन पे प्रॉपर लाइटिंग रोशनी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स हैं तो वो जलते नहीं हैं और इससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। जो बात आपने कही है उसके संबंध में हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको हम पाबंद करेंगे कि जहां जहां भी रोड लाइट्स नेशनल हाईवे पर है वो ठीक ढंग से वहां पर लाइट की व्यवस्था उपलब्ध रहे और यदि उसमें कोई शिकायत है तो हमारे नोटिस में लाए, उस संबंध में हम और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाना चाहते हैं। वरुण राज पुरोहित मुंबई से, वो कह रहे हैं कि हाईवेज पे बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर किसी के साथ दुर्घटना में कोई चोट किसी को लग जाती है तो उसे इंतजार नहीं करना चाहिए ज्यादा समय तक मेडिकल फैसिलिटीज का। इसके बारे में मंत्री जी कुछ करें। जी, उन्होंने सही बात कही है, कंसेशनर के पास ये मैंडेटरी है कि वो सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि ये प्रयोग हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं दिल्ली जयपुर स्टेज पर, जहां पर हम कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। इस बैंक के माध्यम से हमें आधार मिल जाएगा कि आने वाले समय में कैशलेस यदि हम ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं गोल्डन आवर में तो कितने राशि इसमें हमें देनी पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए और उसकी सूचना और स्टेटस अवेलेबल के आधार पर पूरे देश में हम लागू करने का काम करेंगे जिससे ऐसी दुर्घटनाओं के समय में हम समय पर उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें और लोगों की जिंदगी को बचा सकें। अब मुजफ्फरनगर से कायरा पंत ने लिखा है और वो कहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है उनका, वो कहती हैं कि स्कूल में हाईवे और रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को क्या और ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें अवेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कल को जाके रोड्स पे गाड़ी चलाएंगे। अगर बचपन से उन्हें सारे रूल्स और संविधानों के बारे में मालूम होगा तो वो बेटर ड्राइवर्स बनेंगे और देश भी प्रगति करेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है और हम जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री है उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पाठ्यक्रम में स्थान मिले जिससे बच्चों को इस बारे में जानकारी मिल सके। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जैसा उनकी अपेक्षा है उस संबंध में शिक्षा जो हमारे करिकुलम है उस इन चीजों को जोड़ने का काम करेंगे। मुंबई से रचित वत्स, वो पूछ रहे हैं कि कौन से पावर्स कंज्यूमर्स के पास होंगे जो लोग हाईवेज यूज कर रहे हैं, कि अगर हाईवे की हालत खराब है, हाईवे में कुछ कमी है तो वो कहां जाए, किसको कंप्लेन करे, किसको रिपोर्ट करे? जो यूजर चार्जेस दे रहा है उसके संबंध में हमने ये मंत्रालय में निर्णय लिया है कि कोई भी यूजर जब ट्रेवल कर रहा है किसी स्ट्रेच पर जहां पर वो टोल देता है यदि उस रोड की स्थिति ठीक नहीं है तो फेसबुक पर वो हमारे मंत्रालय के पीडी को उसके बारे में सूचना दे। पीडी का ये काम होगा कि वो जो कंसेसनर है उससे उस कंसेसनर से उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को ठीक कराने का काम करें। ये प्रयास हमने प्रारंभ किया है और इस प्रयास को बड़े रूप पर हम करना चाहते हैं जिससे कंज्यूमर को अधिकार मिले कि यदि वो यूजर चार्जेस दे रहा है तो उसे अच्छी जो रोड है उस पर ट्रेवल करने का अवसर मिले। मैं समझता हूँ कि ये जो फेसबुक के माध्यम से हम ये प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं इसका आने वाले समय में असर होगा और यूजर अपने अधिकार का उपयोग ठीक ढंग से कर पाएगा।
मंत्री जी, मुंबई से साहिल ओबरॉय भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुनवाई में इतना समय क्यों लग जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज क्या एक ऐसी मंत्रालय नहीं बन सकती है जहां पे प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए टाइम फ्रेम हो और वो जल्दी सुलझाए जाए? अच्छा सुझाव है, इसीलिए हमने कहा है कि नेशनल जो हेल्पलाइन है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं और जैसा उनकी अपेक्षा है उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को हम तुरंत एड्रेस कर सकें इसकी व्यवस्था हम करेंगे। मंत्री जी, ग्रेटर नोएडा से विशाल मल्होत्रा कह रहे हैं कि क्या हाईवे के लिए डेडिकेटेड पुलिस फोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में इतनी लंबी लंबी स्ट्रेचेस हैं हाईवे की, उन पे इक्के दुक्के पुलिस वाले दिखते हैं, तो क्या डेडिकेटेड पुलिस फोर्स नहीं होनी चाहिए? हमारी जो संविधान है उसके अंतर्गत एनफोर्समेंट करने का काम स्टेट्स के पास है और स्टेट्स इस बारे में अपने पुलिसिंग की व्यवस्था करके इस चीजों को स्ट्रेच करने का काम करती है। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है कि हम इस तरह का कोई डेडिकेटेड पुलिसिंग की व्यवस्था करें। फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स और सेंट्रल दोनों को मिलजुल कर ये काम करना है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे स्टेट्स है वो बहुत इफेक्टिव एनफोर्समेंट का काम करेंगे जिससे उनका जो अप्रिहेंशन है वो ठीक ढंग से हम एड्रेस कर सकते। जी, रिचा बंसल गुजरात से कह रही हैं मंत्री जी कि हाईवेज जो हैं इन पे डिवाइडर्स और बॉर्डर्स जो शोल्डर्स हैं वो क्या और बेहतर नहीं किए जा सकते, और क्या ये जिस एरिया से वो हाईवे गुजर रहा है उसकी ज्योग्राफी को दिमाग में रखते हुए नहीं होना चाहिए? कहाँ डिवाइडर होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ शोल्डर कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ बताएं। उनकी जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है, जब हम डीपीआर बनाते हैं तब भी सब चीजों को एड्रेस करते हैं, पर इस देश में जो हम टू लेन से टू लेन पेवर रोड या टू लेन पेवर रोड से फोर लेन की जो सड़क बना रहे हैं या फोर लेन से सिक्स लेन की जो रोड सड़क बना रहे हैं वो हम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पर बना रहे हैं। एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में ही हजारों आदमी बसते हैं जो अपनी डे टू डे लाइवलीहुड को भी उससे मीट आउट करते हैं। मंत्रालय का ये विचार है कि आने वाले समय में हम ग्रीन फील्ड में हम एक्सप्रेस हाईवे को बनाएं जिससे लोगों को डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़े, और जो ये आशा कर रहे हैं कि कहाँ पर बॉर्डर ये व्यवस्था की जानी चाहिए उसके संबंध में भी हम एक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे में सब चीजों को ध्यान रखेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग जो अलाइनमेंट है उसमें समस्या आती है और जो हमारे इंजीनियर हैं उनके डिजाइन को इनकॉर्पोरेट करके कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को उस लोकल जो समस्या है उसकी दृष्टि से हम उसको एड्रेस करें, और कभी कभी हमें इस दृष्टि से डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। जी मंत्री जी, जैसा कि आपने देखा देश के हर कोने से लोग जुड़े हैं और अपने अपने सवालों के साथ आए हैं कि कौन सी जगह कहाँ होनी चाहिए, जो उनको डाउट्स थे वो क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं, तो क्या ये वन ऑफ एक्टिविटी होगी ये हाईवे सेफ्टी के ऊपर जो हैंगआउट हुआ है, क्या ये आगे और भी होगा फ्यूचर में होगा, या ये वन ऑफ एक्टिविटी थी? ये वन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी, मैं उन लोगों में हूँ जो मान्यता रखता है कि समय आ गया है हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम आगे बढ़कर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, इसलिए मंत्रालय आने वाले समय में ऐसे दो तीन और हैंगआउट्स करेंगे जिससे लोगों को लग सके कि उनके सुझावों के आधार पर मंत्रालय निर्णय ले रहा है और मंत्रालय और जनता मिलजुल कर इस देश में जो मंत्रालय के कार्य प्रणाली है उसको ठीक ढंग से प्रभावशाली ढंग से लागू कराने का काम कर रही है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले टू बिगिन विद रोड सेफ्टी एक सबसे बड़ा इशू है, उसके बारे में चर्चा करें हम हैंगआउट्स के माध्यम से, और जैसे आपने कहा कि लाखों आदमी ने इसके साथ जुड़े हैं तो मुझे प्रसन्नता है कि आने वाले समय में उनके इस भरोसे को बनाए रखेंगे हम, और कुछ और हैंगआउट जो हम करेंगे जिन हैंगआउट्स का सीधा संबंध जनता से और मंत्रालय और जनता के सुझावों के आधार पर हम प्रभावशाली ढंग से अपने मंत्रालय की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी मंत्री जी, ये बहुत बढ़िया एक स्टेप है जहां पे पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही मतलब नहीं है कि पांच साल में एक बार हम जाएं वोट दें और उसके बाद पांच साल तक हमारे लीडर्स हमारे लिए फैसला लेते रहे। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो आपने कहा बहुत जरूरी है, और हम घर बैठ के या फेसबुक पे इंटरनेट पे कंप्लेन तो बहुत करते हैं कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम अपनी आवाज उठा के अपने हक के लिए कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं बनता। मंत्री जी, इस हाईवे सेफ्टी हैंगआउट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप अपने सारे व्यूअर्स और लिसनर्स को एक बार संबोधित करें और उसके बाद हम इस हैंगआउट को एंड करें। मैं सारे व्यूअर का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने रोड सेफ्टी जैसे अहम मुद्दे पर इतना भागीदारी निभाई, हमारा ध्यान आकर्षित किया। हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके सुझावों को मंत्रालय ध्यान देगा और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं हम निर्णय लेने में उनके सुझावों को ध्यान देंगे और प्रभावशाली ढंग से
इस देश में रोड सेक्टर में हम काम करने का उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक बार मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि समय समय पर हैंग आउट्स में भागीदारी निभाकर हमें और प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, और आप सबका भी जो हमारे साथ जुड़े हैं इस गूगल प्लस के हाईवे सेफ्टी हैंग आउट पे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि आगे फ्यूचर में भी ऐसे हैंग आउट्स होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें भी अपने सवाल रखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी गूगल प्लस टीम और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, धन्यवाद।